धर्मनगरी हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब भूसे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली गंग नहर में सवा गई। यही नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे दो युवक भी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गंगा में डूब गए। सुबह के समय खानपुर थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भूसा भरकर हरिद्वार के लिए आई थी और इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर चार युवक मौजूद थे। जिस समय ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा नहर के पास सड़क से गुजर रही थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गंगा नहर में जा गिरी। हादसे में दो युवक ट्रैक्टर ट्रॉली से कूदने में कामयाब हो गए, लेकिन दो युवक ट्रॉली के साथ ही गंगा नहर में समा गए। जैसे ही इस बात की सूचना युवकों के गांव में पहुंची, वैसे ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि खानपुर ब्रह्मपुर गांव से यह ट्रैक्टर ट्रॉली यहां भूसा डालने पहुंची थी। खानपुर ब्रह्मपुर से आई थी यहाँ गौशाला में भूसा ताड़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ रोका, तो उनके साथ में जो भी कुछ हुआ, तो ट्रैक्टर थोड़ा चलकर नहर में जा गिरा। चार लड़के थे मैं, बस जी पुलिस भी आई यहाँ पर, उन्होंने अपने गोताखोर भी आए, मैं भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे, अब तक उनकी दो जनों की लाश नहीं मिली। गंगा नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली के गिरने के बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तो गंगा जी से निकाल दिया, लेकिन डूब चुके दो युवकों को पुलिस अभी तक नहीं तलाश पाई। सीओ सदर आयुष अग्रवाल का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने के मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा नहर में गिरी। देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो भूसे से लदी हुई थी वो नदी में गिर गई है, तो मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई, तो उसमें पता चला कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, ये भिकमपुर से आ रही थी, इसमें चार व्यक्ति सवार थे चालक सहित, और ये राजीव नगर स्थित गौशाला में भूसा लेकर आ रहे थे। तो संभवतः ढलान की वजह से कहीं इन्होंने खड़ी की हुई थी, उसमें बैलेंस नहीं बन पाया, उसमें से गिर गई। क्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर निकाली गई है और अभी इन लोगों की तलाश की जा रही है। गंगा नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से क्षेत्र में हड़कंप समझ गया और मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए, जबकि पुलिस दोनों युवकों की तलाश में गंगा नहर में सर्च अभियान चलाए हुए है, लेकिन अभी तक दोनों ही युवकों का कुछ भी पता नहीं चल सका। खबरें अभी तक के लिए हरिद्वार से रिजवान अहमद की रिपोर्ट।